महीने में 4 से अधिक डिजिटल लेन देन पर हर बार 17.70 रुपये शुल्क वसूलता रहा और उस दौरान उप बैंक ने 12 करोड़ जनधन खाता धारकों के 164 करोड़ रुपये इन गरीब लोगों खातों से वसूल कर लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन मानकों को भी तोड़ा जिसमें खाते के साथ नई सेवाएं जोड़ने के लिए वसूले जाने वाले शुल्क धन्यवाद धन्यवाद आत्म रिजनेबल यानी न्याय संगत अध्यक्षता की गई थी। ये जाहिर करता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गरीब लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़े रखने के लिए लाभार्थियों का भेदभाव किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित तमाम बैंकों की स्टेट रिपोर्ट सरकार मंगवाए, उन्हें इस प्रकार कितनी राशि नियम विरुद्ध वसूल की है उसे ब्याज सहित जल्द से जल्द उनके खाते में लौटाया जाए। इस योजना को लेकर के बहुत सारे दावे करती है कि इससे गरीबों के बैंक खाते खुले, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है कैश का, लेकिन आप इसी योजना पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना से जो गरीबों के खाते खोलने की बात करी, इसको ढोल नगाड़े बजा के इसका पर्चा किया गया, लेकिन एक SBI की रिपोर्ट है जिसके अंदर SBI बैंक ने 2017 से 19 तक कई खाता धारकों से डिजिटल ट्रांजेक्शन के नाम पे 164 करोड़ रुपये अकेली उससे वसूले SBI ने। तो तमाम अगर बैंकों का सर्वे कराएंगे तो पता नहीं कितना पैसा वसूल होगा। मैंने कहा भाई, प्रधानमंत्री जी का विजन है और उस विजन के खिलाफ चल के अगर ये बैंकिंग व्यवस्था चल रही है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन इसमें दोषी है और गरीबों का पैसा वापस लौटाएं, ये सरकार का ध्यान बनाकर।